ओ भाई, तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साइकुस। आप देख रहे हैं एनिमांगा फैक्ट्स। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। और ओटाकू न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड होने वाला है, तो से बेस्ट ऑफ लक टू मी गाइस। ओटाकू न्यूज़ के हर एक एपिसोड में आपको मैं देने वाला हूँ एनिमे वर्ल्ड की सबसे चड़कती फड़कती न्यूज़, बिल्कुल ही लेटेस्ट से लेटेस्ट, चाहे वो इंडिया में एनिमे रिलेटेड हो या बाहर से कुछ, एनिमे की रिलीज डेट से लेके एनिमे की रिलीज मंथ तक। सो इफ यू वांट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, नाउ इट्स द टाइम। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एनिमे रिलेटेड अपडेट्स। तो बिना पिकाचू से करंट खाए चलिए शुरू करते। आज की हमारी पहली न्यूज होने वाली है एसके इन्फिनिटी के सीजन 2 के ऊपर। एसके इन्फिनिटी का सीजन 2 ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। इसकी रिलीज डेट के चलते कोई न्यूज बाहर नहीं आई, पर इसका सीजन 2 कंफर्म कर दिया गया है इसके क्रिएटर्स से, और इसके ओवीए प्रोडक्शन में बताए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसका सीजन 1 2021 में खत्म हुआ था अप्रैल में, और तब से लेके हम इसके सीजन 2 का बहुत ही वेट कर रहे हैं, और फाइनली सीजन 2 के अनाउंसमेंट उसके क्रिएटर्स ने कर दी है। आज की हमारी सेकेंड न्यूज है मिसफिट ऑफ द डीमन किंग अकेडमी का सीजन 2, जो कि 2023 के लिए अनाउंस कर दिया गया है। ये प्रोबेबली हमें स्प्रिंग 2023 में देखने मिल सकता है। और आप बहुत ही बड़े एनिमे फैन होंगे तो आपको समन टू अनदर वर्ल्ड अगेन ये मांगा तो पड़ता ही होगी। तो इसके रिलेटेड एक एनिमे आने वाला है जो जल्द ही आने वाला है, पर उसकी रिलीज डेट अब तक भी अनाउंस की नहीं गए हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। इसके बाद एक एनिमे है री इंकारनेटेड एज अ स्वॉर्ड। इस एनिमे की रिलीज को सितंबर के लिए शेड्यूल किया गया है। इस एनिमे के लिए मैं पर्सनली तो एक्साइटेड नहीं हूँ, पर आप में से कोई इस एनिमे के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज़ कॉमेंट योर थाट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। और आज का हमारा सबसे हॉट टॉपिक है हाइक्यू मूवी, जो कि सीजन 4 का सीक्वल होने वाला है। मैं पर्सनली सीजन 5 देखना चाहता था, जिसमें हमें कुरासोना हाई वर्सेस नेकोमो का फाइनल बैटल दिखाने वाले थे, क्योंकि पिछली बार कुरासोना हाई नेकोमा से बहुत बुरी तरीके से हारी थी। लेकिन लेट्स सी व्हाट द मूवी होल्ड्स फॉर अस। आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड, बट स्टिल आई एम गोना वॉच दिस मूवी बिकॉज आई लव वॉलीबॉल। नेक्स्ट न्यूज है हमारी मकोटो शिनकाई की न्यू मूवी सुजुमे नो तोजीमारी के बारे में, जिसके कई सारे कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन क्रंची रोल ने रिलीज किया है। आप ये सारे डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें पॉज कर सकते हैं, मैं अभी के लिए इन्हें फटाफट निकाल दे रहा हूँ। और एनिमे गेम कम्युनिटी के लिए एक अच्छी न्यूज है कि फुल मेटल अल्केमिस्ट मोबाइल गेम हैज फाइनली बीन रिलीज्ड। दिस गेम इज अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड एज वेल एज iOS। मैं पर्सनली ज्यादा गेमिंग टाइप फैन तो नहीं हूँ एनिमे का, पर इसका गेम प्ले वाकई बहुत अच्छा है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर एंड एंजॉय द एक्सपीरियंस। ये सारे थे हमारे ग्लोबल एनिमे न्यूज। अब इंडिया में एनिमे की क्या कंडीशन चल रही है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वन पीस की एक मूवी आ गई है रेड, और इंडिया में फैंस उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और फाइनली उसकी रिलीज डेट इंडिया में रिवील कर दी गई है। हम वन पीस रेड को अक्टूबर में इंडिया में देख पाएंगे। मुंबई जैसे कई शहरों में इसके पोस्टर्स देखे गए। इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट तो नहीं रिवील की गई है, पर ऑफिशियल मंथ अक्टूबर 2022 रिवील कर दिया गया है। अगर ये मूवी मेरे नियर बाय थिएटर में लगी तो मैं डेफिनेटली इसे वॉच करने जाऊंगा। अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो प्लीज कॉमेंट डाउन। ये मूवी दो लैंग्वेजेस, इंग्लिश डब और जैपनीज इन इंग्लिश सब, ये दो फॉर्म में अवेलेबल रहने वाली है इंडिया में। वन पीस को लेके एक और अच्छी न्यूज भी है कि सोनी इसके कई सारे एपिसोड्स हिंदी में डब कर रही है, और आफ्टर सम मंथ्स हमें ये फाइनली सोनी याए पे देखने को मिलेगी। मैं पर्सनली इतना एक्साइटेड नहीं हूँ हिंदी डब के लिए, पर एज दे से एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो चलिए देखते हैं इसका आउटकम क्या निकल के आता है। नेक्स्ट न्यूज है DBS फैंस के लिए। ड्रैगन बॉल सुपर की कई सारी मूवीज अनाउंस कर दी गई है, जो कि इंडिया में अवेलेबल होगी 3 लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश और जैपनीज। और अगर फैंस का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये शायद तमिल और तेलुगु में भी अवेलेबल हो जाए। रिसेंटली जो ड्रैगन बॉल की हिंदी मूवीज निकले थे उनसे अगर कंपेयर करूँ तो मुझे इन मूवीज को लेकर बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि आई पर्सनली रियली एंजॉयड दोज मूवीज। पोकेमॉन फैंस के लिए भी एक न्यूज है कि पोकेमॉन की मच अवेटेड बैटल एश वर्सेस सिंथिया विल बी एयर्ड नेक्स्ट वीक। पोकेमॉन कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि इस बैटल का वेट पोकेमॉन कम्युनिटी बहुत ही लंबे समय से कर रही थी। पोकेमॉन फैंस, कैन यू प्रेडिक्ट हु इज गोना विन दिस बैटल, एश और सिंथिया? नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट एरोमांगा सेंसे फाइनल वॉल्यूम, डेट इज वॉल्यूम 13।
मेरा मांगा सेंसे फाइनल वॉल्यूम इज टू बी रियलाइज नेक्स्ट मंथ, और कहा जा रहा है कि ये एंड ऑफ द सीरीज होने वाला है इस मांगा के लिए, और फाइनली एरो मांगा सेंसेई ये एंड होने वाली है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, प्लीज शेयर योर व्यू इन द कमेंट सेक्शन। एक शॉकिंग न्यूज है ब्लैक क्लोवर के फैंस के लिए, जिसने पूरी ब्लैक क्लोवर कम्युनिटी को हिला के रख दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि मेन आर्क यानी कि फाइनल आर्क में सारे कैरेक्टर मरने वाले हैं, यानी कि सारे इम्पोर्टेंट। और आस्था को लेकर ये बात कही जा रही है कि आस्था इज नॉट एन एंटी मैजिक यूजर, बल्कि वो कुछ अलग है, डेट इज फेट एंड टाइम डिफाइंग। मैं ब्लैक क्लोवर को लेकर तब से एक्साइटेड हूँ जब से इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था और इन्होंने मूवी का रिलीज अनाउंस किया था। आई एम रियली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ एंडिंग, बट देखते हैं क्या होता है। अब इसके क्रिएटर्स ने कुछ अच्छा ही सोच के रखा होगा इसके एंडिंग के लिए। नेक्स्ट इज अनदर शॉक फॉर दी माई हीरो अकेडेमिया फैंस, जिसमें उसके मांगा क्रिएटर्स ने कहा कि वो इस वीक बाकुगोस डेथ पैनल रिवील करने वाले हैं, जो कि एक शॉकिंग न्यूज है फॉर दी माई हीरो अकेडेमिया फैंस ऑल अराउंड द ग्लोब। भाई क्या सोच के रखा था और क्या हो रहा है यहाँ पर। एक ही नहीं दो दो मेरे फेवरेट एनिमे बिल्कुल ही शॉकिंग न्यूज दे रहे हैं आज। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। इन सभी बैड न्यूज में एक अच्छी न्यूज भी है कि कल से हमें नरूटो का हिंदी डब फाइनली इंडिया में देखने मिलेगा। कल यानी कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 8 PM सोनी आई पे नरूटो का हिंदी डब दिखाया जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द एनिमे कम्युनिटी इन इंडिया, फाइनली हमें हिंदी एनिमे हमारी इंडिया में देखने को मिलेगा। वी आर गोना फील दैट नॉस्टैल्जिया अगेन गाइस। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही। फॉर मोर एनिमे रिलेटेड कॉन्टेंट, न्यूज और एनिमे फैक्ट्स, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। यू कैन सपोर्ट द चैनल बाई हिटिंग दैट लाइक बटन एंड शेयरिंग द वीडियो। बट फॉर नाउ आरा आरा सायोनारा।